Hey guys, good morning. So I'm in Delhi and sorry मैं अभी तैयार नहीं हो रखी हूँ, मतलब ऑलमोस्ट तैयार हूँ, ऑलमोस्ट नहीं हूँ. सो यस, एज आई वाज सेइंग, आई एम इन दिल्ली एंड इट्स बीन 3 डेज, मतलब आज डे 4 है और अभी बज रहे हैं सुबह के 4:35 एंड मैं श्रुति के घर पर हूँ और अभी हम 4:30 बजे इसलिए उठे हुए हैं बिकॉज वी आर गोइंग समवेयर. हमारी फ्लाइट है पता नहीं कितने बजे की, बट हमको 6:30 तक एयरपोर्ट पहुंचना है. सो मैं लोकेशन अभी नहीं रिवील करूँगी, बहुत ही स्टूपिड आई हूँ एनी वे, बट मैं लोकेशन अभी रिवील नहीं करूँगी, वो थोड़ी देर बता दें. श्रुति अभी वॉशरूम गए हैं फ्रेशन अप होने के लिए, मैं ऑलरेडी हो चुकी हूँ, मुझे बस बाल बाल ठीक करने हैं एंड स्किन केयर करना है. ऑल्सो सी माई ब्रेकिंग नेल्स, प्रीटी राइट, वेरी प्रीटी. ओके, सो मैं ट्रिप के बारे में थोड़ा सा और बताती हूँ एंड मैं 7 साल रेडी हो रही हूँ. सो हम जा रहे हैं फॉर 4 डेज 3 नाइट्स एंड मैं लोकेशन नहीं रिवील कर रही हूँ इसलिए मैं बाकी सारी डिटेल्स नहीं शेयर कर पाऊँगी कि टिकट कितने की हुई एंड स्टे का कितना कॉस्ट है एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बट वो मैं आपको आगे चल के बता दूँगी, ठीक है. सो ये मेरा मतलब ऑफिशियल पहला ट्रिप है जब से कोविड हुआ है एंड ऑल्सो हम मतलब मैं और श्रुति का बर्थडे है ऑन 3rd, सो हम वो भी सेलिब्रेट कर पाएंगे एंड हम दोनों को बहुत डेस्परेटली कहीं जाने की ज़रूरत है बिकॉज बहुत ज़्यादा बर्न आउट हो रखे हैं. सो या हमने रात को बैठ के स्टिक ऑन नेल्स लगाए, पैकिंग करी, सब एंड मिनट पे हुआ है और अभी हम बहुत जल्दी रेडी हो रहे हैं. वैसे हम आधा घंटा और सो सकते थे बट ठीक है, आई एम टू एक्साइटेड टू स्लीप और वो सोना चाहती है. ओह ऑल्सो बहुत चांसेस है कि मुझे इस ट्रिप पे पीरियड्स हो जाएंगे एंड मैं जेन्युइनली प्रे कर रही हूँ, मतलब मैं बहुत डेस्परेटली चाहती हूँ कि ऐसा ना हो बिकॉज अदरवाइज ट्रिप मतलब रुवन तो नहीं होगा बट देन हालत ख़राब हो जाती है यार पीरियड्स में. सो या किस्मत थोड़ी सी ख़राब तो है मेरी. सो इनिशियली हमने प्लान किया था कि हम हिमाचल में कहीं जाएंगे, मोस्ट प्रॉब्ली बीर, बट अगेन तब भी इसीलिए प्लान कैंसिल हुआ. ए बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है सो लैंडस्लाइड का डर लगा रहता है एंड दूसरा पीरियड्स की वजह से बिकॉज आई वाज लाइक अगर मैं डाउन हो गई और day 1 या day 2 हुआ तो मैं 12 घंटे की जर्नी नहीं कर सकती और एंड मिनट में हम और कुछ बुक नहीं कर पाते और कहीं नहीं जा पाते बिकॉज हिमाचल के साथ सीन थोड़ा सॉर्टेड है, लेकिन इतना एडवांस बुकिंग करने का जरूरत नहीं पड़ता बट और कहीं भी जाने के लिए स्पेशली लाइक फ्लाइट एंड ऑल से आपको एडवांस बुकिंग करनी पड़ती है. तो अल्टीमेटली आज से 10-15 दिन पहले श्रुति एंड आई वुड लाइक चल छोड़ जहाँ सोच लिया वहीं जाएंगे, पीरियड्स और नो पीरियड्स एंड अभी तक हुए तो नहीं है बट अब नहीं होने चाहिए वहाँ पर. सो गाइज, दिस इज़ वॉट आई एम वेयरिंग. मैं इसके साथ अपना डेनम जैकेट कैरी करूँगी बिकॉज मुझे थोड़ी बहुत ठंड लगती है एंड देन श्रुति बैठी हुई है, उसका OTT तो मैं दिख नहीं रहा है, अब उठ के आ गई बिकॉज वो बहुत ही बड़ी वॉनबी औरत है. ओके, दिस इज वॉट शी इज वेयरिंग. थोड़ा पीछे जाओ ना, दिस इज वॉट श्रुति इज वेयरिंग. So these also your bye Shruti. Shut up. Bye Shruti. So guys, we're having our breakfast, South Indian breakfast. This is ghee roast dosa. Then we have idli and filter coffee. And वो आ रही है श्रुति चौधरी एक और कॉफी लाते हुए. चार शुगर लेकर आई हूँ मैं. क्यों क्रेजी हो? हो तो. यू हो. इडली सही है? सही शायद. अच्छा होता है. तू उसको बता के आई थी ना कि मैं आ रही हूँ, मुझे कैसे पता? कहता मैडम हीरोज वाले हो ना. समझ गया. चम्मच और एक सौ ले आती हूँ.
I'm so hungry. Then we'll both be paying each other for this shit. I'll sponsor your trip. तूने नहीं बोला भाई। Collecting our bags. Okay guys, so हम एयरपोर्ट पे पहुंच चुके हैं। बढ़िया फ्लाइट थी, मैं मस्त 2 घंटे सोई हूँ। ये पता नहीं क्या कर रही थी, मैं तो सो रही थी एंड ऑल्सो हम पिछले 15 मिनट जो बैग्स का वेट कर रहे थे, जो कि मतलब आई नो 15 मिनट ज़्यादा नहीं होते, बट मैंने अपने बैग में एक इलेक्ट्रॉनिक छोड़ दिया था और मुझे लग रहा था कहीं मेरा बैग आए ही ना, बट थैंक गॉड थैंकफुली वो आ गया। एंड अब हम जो हमारी फाइनल डेस्टिनेशन है वहाँ पहुँचने के लिए और 2-2.5 घंटे लगेंगे। सो अब हम उसकी बुकिंग कर रहे हैं, मतलब ये कर रही है मैं तो तुम लोगों से बातें कर रही हूँ। सो या ओके, इस लोगों से पूछ पुछाने के बाद मुझे नहीं मिली। हमें पता चला है कि यहाँ पे मेट्रो है, मेट्रो से हम बस करेंगे एंड मेट्रो पहुँचने के बाद मतलब वहाँ से बस लेंगे एंड फिर बस से फाइनल डेस्टिनेशन। गेस करो हम कहाँ जा रहे हैं। कम ऑन। सो हम जहाँ पे है वहाँ पे थोड़ा सा लैंग्वेज बैरियर है एंड तो थोड़ी सी दिक्कत हुई अपना डेस्टिनेशन के बारे में पता करने में, बट फाइनली मिल गया है हमको वो मेट्रो का चिप। एंड और तो क्या हालत हो गई है, काफ़ी ख़राब। ओके सो हम लैंड करे थे एयरपोर्ट पे अराउंड 11 कुछ पर एंड अभी बज रहे हैं ऑलमोस्ट 2 एंड हमें अब जाके बस मिली है जो हमें फाइनल डेस्टिनेशन पे पहुंचाएगी, क्योंकि हम थोड़े से पैसे बचाना चाह रहे थे। लैंग्वेज बैरियर की वजह से एक दो छोटी छोटी गलतियाँ भी हुई। सो जब मैं आपको बताऊँगी कि मैं कहाँ पर हूँ, लोकेशन डिस्क्लोज करूँगी, तब मैं बताऊँगी कि वहाँ पहुँचने का सही तरीका क्या है। लेकिन हमारी वाली गलतियाँ मत करना, बट ठीक है, एक्सपीरियंस गलती से ही सीखता है इंसान। दिस इज वेयर वी आर स्टेइंग। We made it. This is the washroom, cupboard, that's the room, that's Chaudhary ka chand, homemade cookies. Cake already Shruti Chaudhary kha chuki hain aur ek ab main khaungi. I love cookies and I'm so hungry. ओके सो हम नहा लिए, हमने चेंज कर लिया है एंड थोड़ा सा बुरा रूम बुक हो गया बिकॉज वॉशरूम में फैन नहीं है। दिस इज दी ओनली मिरर दैट वी हैव एंड हाँ मतलब बहुत मेन है ये दोनों चीज़ें। सो यस, दिस इज व्हाट वी आर वेयरिंग, दिस इज व्हाट आई एम वेयरिंग। श्रुति इज वेयरिंग अ ड्रेस। I have never had pork chops. Oh, me too. It's not just that we're hungry, it's also that we're tired. Cheers, guys. क्या था ये? प्रॉन केक्स। हम इतने थके कि हम भूल गए हम क्या खा रहे हैं। इज इट जनरली अच्छा या हम भूखे हैं? अरे हम भूखे बट एक्चुअली में ठंडा भी थोड़ा जल्दी है। मैंने इसको बहुत नींबू डाल दिया तो समझ नहीं आ रहा। नींबू की दुकान बना दी। हाँ मतलब उससे फैट कर।
था मुझे तो राज पसंद है। मैंने बोला ना और कोई टेस्टी नहीं था अदर देन कबाब। आई लव हां मुझे कबाब बहुत पसंद है। कैन आई प्लीज हेल्प यू? या प्लीज गाइस मुझे इस लड़की को लिटरली फीड करना पड़ता है। अडॉप्ट कर लूं क्या? अडॉप्ट क्या है? कभी कभी नेल्स करवाती है, कभी कुछ करवाती है। और हमारे पास अब डैडी भी है। डैडी जिसको तुम डैडी और मुझे मम्मी बोल रही हो। ओह 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 यार ओह यार अब तो कोई है इसका है मेरा। जैसे हम लैंड करें राइट, सो आई टोल्ड यू ऑल कि फाइनल डेस्टिनेशन पहुंचने से पहले एक बीच वाली डेस्टिनेशन है। मैं बस में बैठी हूँ और मैं डाउन हो गई हूँ, मुझे पेन स्टार्ट हो गया है। एंड बोलता हम 4 बजे तक पहुँच जाओगे फाइनल डेस्टिनेशन पे। हम 6 बजे पहुँचे और हम सुबह घर से 5 बजे के निकले हुए हैं, 4 बजे के उठे हुए हैं। मतलब मैंने पूरी रात नहीं सोई, ये 4 बजे के उठे हुए हैं। बुरी हालत एंड डाउन हो रही हूँ, पेन हो रहा है। और मैंने क्या किया, यहाँ पहुँचे 6 बजे, 6 पहुँचे थे ना, एंड बाय 7:30 वर आउट, क्योंकि कुछ तो एक्सप्लोर करना था, क्योंकि आज का दिन वेस्ट हो गया काफ़ी अच्छा। एंड हमें यहाँ पे एक ऑटो वाले भैया मिले हैं अमेजिंग एज फक, हमको इतना सही गाइड कर रहे हैं, नॉट इवन चार्जिंग अस अ लॉट, मतलब सही चार्ज कर रहे हैं। सो मैं उनका नंबर भी शेयर करूँगी। यही लाइफ का है। श्रुति तो शादी करने के पूरे मूड में, मैंने कहा नहीं ब्रो आंटी नहीं मानेंगे, कास्ट का डिफरेंस, कॉलेज का डिफरेंस, फैमिली में कास्ट हो गई थी। ऑटो वाले भैया की बीवी बनने के लिए तो जा रहे हैं, ये प्रॉब्लम है। लाइक ऑटो में मैंने बोला भी मोहनलाल को, एक्चुअली हुआ ये कि शी प्रपोज्ड टू हिम एंड ही सेड लाइक नहीं यार नहीं नहीं हां ही रिजेक्टेड। हम झारखंड वाले को डेट नहीं करते, ही रिजेक्टेड चौधरी। द पोर्क चॉप्स आर रियली बैड, मतलब छोड़ दिया मैंने एंड नहीं खा जा रहा, बहुत च्यूई है, बहुत ज़्यादा क्या बोलते हैं उसके फैट का टेस्ट आ रहा है, मैरिनेटेड नहीं अच्छे से। इट्स नॉट गुड सपोज टू बी। मैं सब खा लेती हूँ बट थोड़ा सा छोड़ा भी मैंने, बहुत ज़्यादा चूही है यार, तीन चार खाते हुए सब खा लेती हूँ, क्या होता है तो मुझे सब पता है। श्रुति को तो सब पता ही है, बहुत रेफरेंसेस, इवन टू मेनी रेफरेंसेस उसका ना। डैड फॉर डैडी, योर नॉट माय डैडी, माय ओन, नो नॉट डैडी, डैडी इज द मॉम। बाय द वे अगर मैंने नाम नहीं बताया तो मैं बता देती हूँ, इट्स विला हेलेना। Oh my god, it's raining! It's our first day here and already बारिश हो रही है। Okay, so now we are going to this villa. It's called Villa Krish. It's पे roof top sitting and all है, so yeah. Finally. Drink is here. Shruti's drink is there. Cheers. बड़ा स्केरी चेयर्स था ये, बट ओके वी मेड इट। कान ब्रो सब गिर जाएगा। गाइस व्लॉगिंग करना ना थोड़ा सा एम्बैरेसिंग है, जस्ट सेइंग। ये तो श्रुति चौधरी है जो मैं कर भी पा रही हूँ, कोई और होता नहीं हो पाती। आ जा, आ नहीं पा रही, एक मिनट रुक। दिस इज सो टेस्टी, आई होप माइन इज ऑल दैट टेस्टी। ओके हर ड्रिंक एज ऑलवेज इज बेटर, क्योंकि मुझे एक्सपेरिमेंट करने की आदत है और ये बोल रहे हैं बारिश हुई है और अभी तो ज़्यादा ह्यूमिडिटी हो रही है। लाइक लुक एट माय हेयर गाइस, दिस व्हाट वी ऑर्डर्ड, सच इज लाइफ। तवा फ्राइड प्रॉन्स, Thank you.
So we are almost done here. इसके बाद हम शायद बीच जाएँ, अदरवाइज रूम पर. Let's see कहाँ जाते हैं. So yeah. राधिका, श्रुति कैसा लग रहा है तुम्हें आके? Oh my God, so surreal. I love beaches. I think I'm a guys, beach person. Guys, this is my first time being on a beach and I'm loving it. Probably the best day of my fucking life. And it's my nth time on the beach, but I'm still loving it. Like it's a new feeling for me. Goa, Bombay. Guys, अभी हम beach पे हैं and it's raining. अभी शुरू हुई है. And I swear this day cannot get any better. Even though अब हम जा रहे हैं because थोड़ा risky हो रहा है. But oh my God, what a beautiful, beautiful, beautiful day. 12 घंटे की journey worth it रही. And I know I told you the name of the beach, but I did not tell you कि मैं किस city में हूँ. So मैं हूँ Pondicherry में. Welcome to Pondicherry. Oh my God. तो हम जस्ट अभी घर आए और हमने घर आते ही चेंज किया है. एंड ओ माय गॉड, श्रुति एंड आई वी हैड द बेस्ट बट आल्सो हमारी लाइफ का सबसे क्रेजी रात. सो क्रेजी से ज़्यादा स्कैरी था. एंड आई एम जस्ट सो टायर्ड. मैं अभी बता भी नहीं सकती हूँ कि क्या क्या हुआ है, बट फक गाइस, ओ माय गॉड, व्हाट अ नाइट. मतलब मैंने लिटरली एक घंटा नॉन स्टॉप प्रे किया है, श्रुति ने प्रे किया है, बिकॉज हम इतना ज़्यादा डर गए थे और इतनी ज़्यादा चीज़ें आउट ऑफ कंट्रोल हो गई थी. बट थैंक गॉड, थैंकफुली हम घर पहुँच गए हैं. घर इन द सेंस एयरबीएनबी जहाँ हम स्टे कर रहे हैं. एंड ऑल्सो लाइक आई विल टेल यू एवरीथिंग इन डिटेल कल, बिकॉज अभी हिम्मत भी नहीं है बात करने की, हिम्मत भी नहीं है बताने की, एंड प्रोसेस भी नहीं हो पा रहा है कि क्या क्या हुआ है और कैसे कैसे हुआ है. बट हाँ, लाइक बहुत अच्छे लोग हैं यहाँ पे जिन्होंने जेन्युइनली हमारी बहुत हेल्प करी एंड उनकी वजह से हम सही सलामत घर पहुँच गए हैं. अदरवाइज फक पता नहीं क्या होता और हम कैसे इस होटल में पहुँचते मुझे नहीं पता. श्रुति मैडम आ गई हैं कपड़े धुल के. फक मेरा वो जब भी मेट से वो डायलॉग मारने का मन कर रहा है, बाबा जी बस इस नाइट को बोरिंग बना दो. सुबह से इतना कुछ हो चुका है, मतलब पूरा सॉर्टेड सा ट्रिप बनाया था हमने, ठीक है, और एक के बाद एक बकचोदियाँ हो रही हैं. बट आई विल टेल यू एवरीथिंग इन डिटेल बट टुमारो. बाय, गुड नाइट.